पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच सीएम चन्नी के विवादित बयान पर सियासी तूफान मच गया है। दरअसल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चुनाव रैली के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के भैया को राज्य में प्रवेश नहीं कर देने की बात कहकर विवाद फैला दी है, जिसके बाद कई दलों के नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और सीएम चन्नी के बयान को शर्मनाक बताते हुए माफी मांगने की मांग की है, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी बैकफुट पर आ गए हैं। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबोहर रैली में कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा तो सीएम चन्नी ने सोशल मीडिया पर आकर अपने बयान की सफाई दी। चन्नी ने कहा कि प्रवासियों से तो हमारा नाखून मांस का रिश्ता है, हम उन्हें दिल से प्यार करते हैं और कुछ लोग हैं जो जानबूझकर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। साथ ही चन्नी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ पंजाब में अराजकता फैलाने के लिए आए आम आदमी पार्टी वालों के लिए यह बात कही थी, जिसका गलत मतलब निकालकर गुमराह किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चन्नी ने कहा कि जितने भी प्रवासी हैं वह खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पर ले गए हैं। उन्होंने हमारी खेती को कामयाब किया है। यूपी, बिहार, राजस्थान और कहीं से भी आकर जो लोग यहाँ काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है। चन्नी ने कहा कि प्रवासी लोग केजरीवाल जैसे लोगों से खुद को जोड़ कर ना देखें, क्योंकि यह लोग पंजाब में अराजकता फैलाने के लिए आए हैं, जबकि प्रवासी लोग पंजाब में विकास के लिए आते हैं। चन्नी ने कहा कि मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर पंजाब में खलल डालते हैं, मैंने उनके लिए यह बात कही है।